Now, sir, see, 2 to the power 2x plus 3 equal to 65 into 2 to the power x minus 1 or plus 57. क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो मास्टर का भी धुआं निकल जाता है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था 29 और 9 हो गए। एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें, आपका नाम देखिएगा। आप देखिएगा यहाँ पे जो एक्सपोनेंट का आपका नाम देखो, एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ दैट इज व्हाट, रिवर्स में लिखेंगे एक्स की पावर एम प्लस एन इज इक्वल एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर, आप इसको एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन इज इक्वल एक्स की पावर एम प्लस एन अगर आप लिख रहे हैं, इसका मतलब आप अनाड़ी हैं, वो मास्टर भी अनाड़ी है जो आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी हैं, आप तो कह रहे हैं अनाड़ी। तो ना इसलिए देखते फॉर्मूला का हिसाब, तो अब ना दे सकते टू की पावर टू एक्स इंटू टू की पावर थ्री इक्वल टू 65 इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन और प्लस 57। अगर क्वेश्चन सही है तो आपका ना दे बदल सकते हैं, हो गया सर। अब x की पावर m n इज इक्वल टू, ये थर्ड लॉ है सर, आपका x की पावर m की पावर n लिखे या और x की पावर n की पावर m, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंसेस, बिकॉज मुझे ये चाहिए तो देखो मैं आपका 2 की पावर x की पावर 2 लिखूंगा, इसको पावर एज ए पावर दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर इनटू 2 टू द 4 टू द 8, ये 8 हो गया सर। नाउ ये माइनस 65 आपका देखो और ये आपका होगा 2 की पावर आपका x और माइनस वन, ये ओ टी में आ गया सर, ऐसा ठीक है। और ये माइनस 57 जैसे बढ़ सकते, अब ये 57 है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो ना कर दो, तो ये आपका कितना हो गया 8 आपका दो, इज इट क्लियर। अब आप करो, दिस इज द मेन इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो गया, तो मेन इक्वेशन बन गया। अब आपका देखो ना लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू अपर लिमिट 2 की पावर x इक्वल टू क्लियर क्यों नहीं लिख रहा है, 2 की पावर x इज इक्वल टू y, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया सर। अब देखिए 8y स्क्वायर माइनस 65 y माइनस 1 और माइनस 57 इसमें लोचा तो नहीं है, 57 है पक्का, देखो जरा क्योंकि ये गड़बड़ कर देगा कहीं, क्योंकि जब ये दोनों एक तरफ को आएंगे हाँ ठीक हो गया यस। तो देखो अब 8y² माइनस 65 आ गया, माइनस माइनस का प्लस बस हो गया, यही दिक्कत थी आपका। देखो ना 8y² माइनस ये 65y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये कायदे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा, क्यों 8 8 जा 64 64 1 जा 64 64 एंड 1 65। लेकिन अब हम देखो आपका ना इस कंपेयर चेक कर लेते विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हो गया ay² प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। एक एक क्वेश्चन इससे भी कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, बना दो वे a इज इक्वल टू 8 y² y² a इज इक्वल टू 8 b इज इक्वल टू माइनस 65 और c इज इक्वल टू 8, तो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई, यानी कि कौन सा है श्रीधराचार्य मेथड का द फॉर्मूला, तो d इज इक्वल टू आपका b² माइनस 4ac, ठीक है। तो d इज इक्वल टू b का मतलब माइनस 65 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हुआ सर 8 और इंटू ठीक है सर। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर आंसर क्या होती है पॉजिटिव, तो डी इज इक्वल 65 का स्क्वायर कितना हुआ 4225 माइनस 8 जा 64। वैसे भी देखो अगर कभी नहीं होता मतलब इसको 2 में ब्रेक कर दो, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 16 16 जा 256 बॉडी सर। तो डी इज अब इसमें से ये कितना होगा
फिफ्टीन में से सिक्स गया नाइन, इलेवन में से फाइव गया सिक्स, इधर आपका इलेवन में से टू गया नाइन, एक बार आप चेक कर लीजिए थ्री नाइन सिक्स नाइन, ठीक हो गया। अब ये क्या ग्रेटर देन जीरो, यू राइट कंडीशन इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हैव एक्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, हो गया। यूजिंग श्रीधर आचार्य एंड उमर खयाम मेथड, इक्वेशन किसमें है y में, इक्वेशन किसमें y में, तो y इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, आप इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट डी, वेरी नाइस, इक्वल माइनस बी 65 प्लस माइनस दिस 3969 अपॉन 2 into 8 y इज इक्वल माइनस माइनस का प्लस 65 और इसका जो स्क्वायर रूट होगा 6 तो ये आया और 990 का 63 आप चेक कर लेना इसको ए टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार आप एक्स इज इक्वल 65 प्लस 63 अपॉन 63, तो 65 प्लस 63 कितना हुआ 128 अपॉन 16 कितनी बार जाएगा, अरे सर डायरेक्ट ए टाइम, नाउ बी टेकिंग नेगेटिव साइन y इज इक्वल 65 माइनस 63 अपॉन 16 अपॉन 2 अपॉन 60 इज इक्वल 1 अपॉन 8, तो देयरफॉर y की जो वैल्यू कितनी है 8 m 1 अपॉन 8, ठीक है सर 8 m 1 अपॉन 8, तो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 की पावर x इज इक्वल y है, नॉट 2 की पावर x इज इक्वल y कितना 8, तो 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर 3, इफ बेसिस ऑफ बोथ साइड्स आर सेम कैंसिल देम एंड कलेक्ट द पावर, x इज इक्वल आपका ये आ गया आजकल ये हो गया कि बच्चे को बस उतना ही पढ़ाओ जितना, क्यों पढ़ाओ उतना पढ़ाओ बच्चे को कि कम से कॉम्पिटिशन लेवल आपका तैयार हो जाए बच्चे का, ना देखो बी नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल कितना है सॉरी y इज इक्वल कितना है सर 1 अपॉन इन इक्वेशन नंबर 1, आपका देखो क्या 2 की पावर x इज इक्वल y, तो 2 की पावर x इज इक्वल y कितना 1 अपॉन 8, ये हो गया, तो नाउ ये देखो 2 की पावर x इज इक्वल 1 अपॉन 2 की पावर 3, एक एक्सपोनेंट का लॉ आप रिवर्स कर सकते हैं 1 अपॉन x की पावर n इज इक्वल x की पावर माइनस n, तो नाउ अब आप करो 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर माइनस 3, यही वाला आपका दीस लाइंस आर द सेम लाइंस यू राइट हियर, यू डू एज अबव, जैसे अब ऊपर लिखा हुआ है ऐसे यहाँ मतलब x इज इक्वल टू आपका माइनस थ्री, तो देयरफॉर x इज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपका क्या क्या निकला सर, एक आपका 3 और आपका एक माइनस 3, ये चेक कर लीजिएगा आप अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। अब इसी में ये तो हो गया इस वाले का, देखो मैं खाली आपको जनरल आइडिया बता देता हूँ, सॉल्यूशन नंबर कौन सा 6, ठीक है क्या है y माइनस 3 अपॉन y इज इक्वल क्या है 1 अपॉन 2, ये देखो y y इज अ y स्क्वायर माइनस 3 अपॉन पूरा y इज इक्वल 1 बाय 2, दिस इज कॉल्ड द एलसीएम, ऊपर जाएगा देखो 2y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू y, तो ना देखो 2y स्क्वायर माइनस
y और माइनस सिक्स का स्क्वायर इज जीरो, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया और ये आपका होती है 2 6 12, 4 3 12, 4 में से 3 आ गया आंसर। ओके ये तो y में ही है, तो y में ही बैठ गया। इसका सॉल्यूशन नंबर आपका जो 7th है इसको भी बता दूं क्या, 3 √x/5 आपका देखो ना प्लस 3, ये आपका 5/x आपका इक्वल टू, ये जो दोनों देख रहे हैं आपका देखो ना लुक, ये दोनों आपका रेसिप्रोकल है, दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो यहां पे आप लिखेंगे लेफ्ट √x/5 इज इक्वल टू y कर दो, तो अब ये 3y हो जाएगा नाउ प्लस 3 ये 1/y हो जाएगा रिवर्स। और कुछ है वहाँ पे इक्वल टू 10 था सर, इक्वल टू आपका नाम 10 है तो 3y² आपका देखो प्लस 3/y इसी बात देखो 10 होगा, ये आपका एलसीएम में आया। अब आपका देखो 3y² प्लस 3 इसी बात 10y, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आया, ये सब क्लियर। तो ये इधर आ जाएगा 3y² माइनस 10y और प्लस 3 इक्वल टू 3 3 9, 9 and 1 10, तो माइनस का 9 और माइनस का 1 आकर के, क्योंकि ये y में ही है आपका, तो अब जब y में आएगी उसके बाद आपकी जो वैल्यू इसकी आपका यहाँ पे करेंगे। श्योर सर, तो इसमें y की कितनी वैल्यू आ रही है ये आप देख लीजिए 61 किला, तो पहले तो आप इसको कर लीजिए फिर कोई बात नहीं। अब ये इतने इसमें 3 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, किसमें सर कहाँ 3 कहाँ कॉमन आएगा इसमें, जब नहीं स्टार्टिंग से यहाँ से हाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो भी आपका क्या हुआ 3 आपका कॉमन अगर आ जाए अंदर y प्लस 1/y हुआ ले जाना फिर भी आपको अंदर पड़ेगा इसको अगेन इट विल गो इनसाइड। तो कॉमन वहां पे लिया जाता है, अगर यहाँ 9 होता तब 3 कॉमन आकर के इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये चीजें जरूर देखें आप क्वेश्चन में, इज इट क्लियर, तो डू इट सर।